छत्तीसगढ़ व्याख्याता संघ ने शुक्रवार को प्रदेश राजधानी के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना दिया। स्कूल शिक्षा विभाग में व्याख्याता शिक्षकों की पदोन्नति में विलंब को लेकर व्याख्याताओं के बीच काफी आक्रोश प्रदेश सरकार के लिए देखा जा रहा है। व्याख्याता संघ का आरोप है कि छत्तीसगढ़ शासन के सभी विभागों में पदोन्नति दी गई है, परंतु स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा बिलासपुर उच्च न्यायालय के निर्देश पर भी स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत समस्त संवर्गों की पदोन्नति नहीं दी जा रही है। 31% डीए की भी मांग संघ ने दी है। छत्तीसगढ़ व्याख्याता संघ के प्रांत अध्यक्ष राकेश शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, स्कूल सचिव को भी कई बार ज्ञापन सौंपने के बाद भी उन्होंने हमारे मांगों पर विचार नहीं किया, इसलिए आज बड़ी संख्या में व्याख्याता संघ को धरना देना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी वर्गों में पदोन्नति की है, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग में पदोन्नति नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार का यह व्यवहार रखना शिक्षकों को निराश कर रहा है। आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे पहले भी ज्ञापन सौंप चुके हैं, क्या प्रमुख रूप से मांगे हैं आज? देखिए, प्रदेश के व्याख्याता और प्रचार समय समय पर शिक्षा मंत्री को, प्रमुख सचिव को, मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है, लेकिन बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि आज 2500 पद रिक्त हैं और सभी हमारे जो सीनियर व्याख्याता जो 35-38 साल हो गए हैं उन सभी को बेसिक सैलरी से ऊपर हो गए हैं वो, और इसका मतलब है शासन को एक रुपए का व्यवहार नहीं आएगा, किसी भी स्थिति में नहीं आएगी। उसके बाद कुछ अधिकारियों की हठधर्मिता से यहाँ पदोन्नति नहीं हो पा रही है। आप देखते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने उसके बाद सामान्य प्रशासन निर्देश दिया और इस निर्देश के बावजूद हजारों यानी डिप्टी कलेक्टर से लेकर चपरासियों तक की पदोन्नति हुई, इंजीनियर से डॉक्टर की पदोन्नति हुई, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग में पदोन्नति हुई। संघ ने माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता दिखा के 10 फरवरी 2021 को आदेशित करवाया कि शिक्षक के सभी सवर्गों में पदोन्नति की जाए, और इसके फलस्वरूप शिक्षा विभाग के अन्य केडरों में 25,000 से भी अधिक पदोन्नति हो गई, लेकिन केवल व्याख्याता से जो प्रचार का जो पद है उसमें पदोन्नति नहीं हुई। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस प्रदेश के 90% स्कूल प्रचार विहीन है, खाली हैं, और ये सब प्रभारी प्रचार के रूप में कार्यरत हैं। इस प्रकार से 17 डीओ प्रभारी पद पर कार्यरत है। प्रभारवाद का खेल भ्रष्टाचार की जड़ है, और इसीलिए शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता में कोई किसी प्रकार का इजाफा नहीं हो पा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से 10 फरवरी 21 को आपने शिक्षा सवर के सभी में पदोन्नति करवाई है, उसी प्रकार व्याख्यातों से प्रचारियों की पदोन्नति कराएं। और ये आज प्रदेश के व्याख्याता कोने कोने से यहां पर इस धरने में उपस्थित है। मैं इस धरने के माध्यम से मांग करता हूं, यदि उसके बाद भी हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी अगर चेतते नहीं तो अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी स्कूल शिक्षा विभाग की होगी। मैं आपको और खुलासा आपको करना चाहूँगा कि इस स्कूल शिक्षा विभाग में SC RT के अलग सवर्ग होता है, आपका स्कूल शिक्षा विभाग का अलग सवर्ग होता है, समग्र शिक्षा अलग सेटअप होता है, पर तीनों सेटअप को वैधानिक रूप से मिला के उन्होंने अधिकारियों ने पदोन्नति ले ली, लेकिन ये जो मेहनत कष्ट से 12 से 5 पढ़ाते हैं बच्चों को, अपनी मेहनत मशक्कत से अलग शिक्षा की अलग जगहें हैं, ऐसे लोगों को अधिकारों से वंचित किया गया है, जो बहुत ही निंदनीय है। इसके अलावा हम 31% डीए की मांग करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे, जिस प्रकार से अन्य राज्यों में 31% आप देखते हैं, कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में देखें, पंजाब में देखें, UPA गवर्नमेंट झारखंड में 31% है, इस प्रकार से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र की बात करें, कर्नाटका की बात करें, ये 28% है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि जो यहाँ पर किसान न्याय योजना चली है, हर चीज़ में मुख्यमंत्री जी न्याय देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि हमको आज 17% केवल DA मिल रहा है, और DA किसी हम राज्य की तुलना नहीं कर रहे हैं, ये मूल्य सूचकांक से होता है, इंडेक्स से होता है कि केंद्र और राज्य के कर्मचारी जितनी महंगाई झेलते हैं, ये राज्य के IAS जो 31% ले रहे हैं वो वही महंगाई झेलते हैं जो हमारे आम कर्मचारी जो 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल ये भी खरीदते हैं।
तो इन ये भी हमारी मांग है। हम 65 वर्ष सेवानिवृत्ति आयु की मांग करते हैं। हमारे लोग उम्र दराज हो गए हैं और आप देखते हैं उस शिक्षा में, चिकित्सा शिक्षा में, तकनीकी शिक्षा में, जुडिशली में, यानी इसका मतलब है कि राज्य शासन ये स्पष्ट मानती है कि जो मेंटल काम करता है वो 65 वर्ष तक फिट होता है। तो हम लोगों की 65 वर्षों की सेवानिवृत्ति दी जाए। और पहले भी स्कूल शिक्षा विभाग का 2 वर्ष का ज़्यादा एक्सटेंशन होता था जो 62 होने के बाद नहीं हुआ है। इसके अलावा हम जो नवीन आत्मानंद अंग्रेजी उत्कृष्ट माध्यम खुल रहा है वो जैसे जैसे खुल रहा है हम अंग्रेजी माध्यम का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जैसे खुलता है हमारे हिंदी माध्यम के सेटअप को नष्ट कर देते हैं। हमारे बच्चों की, जो गरीब बच्चों की, उनकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। हमारे ये हिंदी माध्यम के शिक्षकों का सेटअप खत्म हो जाता है, और सेटअप खत्म होता है तो पदोन्नति के पद समाप्त हो